नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत संतरे का परोसने के लिए तैयार पेय बनाने के वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। संतरा प्राथमिक रूप से रूटासीय परिवार के विभिन्न खट्टे प्रजातियों का फल है जो सीट्रस सिनांसिये को संदर्भित करता है, जिसे मीठा संतरा भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व भारत में संतरे की खेती पहले से की जाती है। भारत संतरे के उत्पादन में दुनिया में ब्राजील और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर पाया जाता है। श्रीलंका, यूके, फ्रांस, बेल्जियम और बांग्लादेश जैसे देशों में संतरे भारत से भेजे जाते हैं। हरेक किसान प्रति मौसम में प्रति पेड़ से औसत 50 मीठी नारंगी की बाल्टिया जितना फल लेता है और प्रत्येक किसान के पास औसतन 55 मीठे संतरे के पेड़ होते हैं। एक मध्यम आकार के संतरे में 80 कैलोरीज, 7% पोटेशियम, 6% कार्बोहाइड्रेट, 12% डायट्री फाइबर, 1 ग्राम प्रोटीन और विटामिन्स जैसे विटामिन सी, A2, B6 और मिनरल्स जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फास्फोरस और मैग्नीज होते हैं। संतरे का परोसने के लिए तैयार पेय दुनिया भर के पदार्थों की लोकप्रिय श्रेणियों में से एक है। यह पेय आसानी से पचने वाला, अत्यधिक ताजा, स्वादिष्ट, प्यास बुझाने वाला होता है और पौष्टिक रूप से सिंथेटिक और वातित पेय में बहुत बेहतर है। FSSAI विनिर्देशों के अनुसार परोसने के लिए तैयार पेय में कम से कम 10% फल सामग्री होनी चाहिए और कम से कम 10% TSS के अलावा अधिकतम 0.3% एसिड यानी कि सिट्रिक एसिड के रूप में होना चाहिए। अब हम संतरे का परोसने के लिए तैयार पेय बनाने के प्रसंस्करण को देखेंगे। संतरे का परोसने के लिए तैयार पेय तैयार करने के लिए फल जो पूरी तरह से परिपक्व और बीमारियों से मुक्त है उसे बबल वॉशर के साथ धोया जाता है और जूसिंग मशीन में डालने के लिए आकार के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। फलों की कटाई के बाद जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी फल को संसाधित किया जाना चाहिए। खट्टे फल बढ़ते क्षेत्रों में पाने जाने वाले उच्च तापमान पर फल जल्दी से बिगड़ जाते हैं। अंतिम धुलाई और निरीक्षण के बाद फल अलग अलग धाराओं में आकार के अनुसार अलग किए जाते हैं। इष्टतम रस उपज प्राप्त करने के लिए आकार के अनुसार संतरे सबसे योग्य जूसर में डाले जाते हैं। रस निचोड़ने की प्रक्रिया में या तो पूरे या आधे संतरे को यांत्रिक दबाव के माध्यम से निचोड़ना शामिल है। निचोड़ने की प्रक्रिया रस की उपज और गुणवत्ता निर्धारित करती है, इसलिए यंत्र संचालन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार रस निकल जाने के बाद टैंक में स्टोर करें और चाशनी, AMP और सिट्रिक एसिड उचित मात्रा में मिलाएं।
स्टेनलेस फिल्टर के माध्यम से छानने के बाद रस को टैंक में रखा जाता है और एक समान करके ऊष्मा प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है। रस को उच्चतम तापमान पर गर्म किया जाता है। यहाँ 3 से 4 सेकंड के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा तापमान का उपयोग अधिकांश उत्पादनों के लिए किया जाता है। हालांकि यह फिर से रस के प्रकार और प्रारंभिक माइक्रोबियल भार के अनुसार रस को पाश्चराइज भी किया जा सकता है। पाश्चराइज रस को ठंडा करके दूसरे टैंक में रख दिया जाता है। तैयार रस बॉटलिंग सेक्शन में लिया जाता है। बोतलों में रस भरने से पहले बोतलों को गर्म पानी से धोया जाता है। आखिरकार रस भरा जाता है और कांच की बोतलों में पैक किया जाता है। तैयार बोतलों को ऑटोमेटिक ढक्कन लगाने वाले यूनिट की सहायता से बंद किया जाता है। तैयार उत्पाद साफ और सूखी स्थिति में संग्रहित किया जाता है। अन्य पैकेजिंग सामग्री में पीईटी बॉटल तथा टेट्रा पैक शामिल है। अब तक हमने संतरे का परोसने के लिए तैयार पेय बनाने के आधुनिक प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। पीएमएफएमई योजना के दिशा निर्देशों, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।